एईपीएस संचालक या फिर वैसे बैंक अकाउंट होल्डर जो आधार कार्ड से पैसे निकालने का काम करते हैं, बहुत ही बड़ी झटका लगने वाला है। फ्रेंड्स, बैंक की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है कि अब आप उन कस्टमर को आधार कार्ड से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए हम दीपावली की खास ऑफर भी लेकर आए हैं, सो वीडियो के साथ लगातार बने रहिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने APS यानी कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अगर आप एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कस्टमर है तो आप कहीं भी आधार कार्ड के माध्यम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे, या फिर आप APS संचालक हैं, एक दुकानदार हैं और आप आधार कार्ड से पैसे निकालते हैं, तो उन कस्टमर को जिनके खाते सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है तो उनको आप आधार कार्ड से पैसे नहीं निकलवा सकेंगे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन भेजा गया है मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि आप अपने तरफ से बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, काइंड एडिशन फॉर नन PMJDY कस्टमर, यानी कि फ्रेंड्स ये जो गाइडलाइंस है उनके लिए है जो एक नॉर्मल बैंक अकाउंट होल्डर है, जिनके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अकाउंट खोला है, उनके लिए कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, वो APS से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जिनका नॉर्मल अकाउंट है वो APS से पैसे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि फ्रॉड होने की वजह से, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे थे, जिसके वजह से ये जो APS ट्रांजेक्शन था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कस्टमर के लिए बंद कर दिया है। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर आप APS सुविधा लेना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड से पैसे निकालना चाहते हैं, तो होम ब्रांच में जाके इसके लिए आपको रिक्वेस्ट लगानी पड़ेगी। इसके बाद अगर आपकी अकाउंट में APS सर्विसेज को एक्टिव किया जाता है तो आप कहीं भी BC पॉइंट पे या फिर APS के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, पर अभी आप APS से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये जो नोटिस है सिर्फ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से लागू किया गया है, बाकी दूसरे बैंकों का कस्टमर का आप आधार कार्ड से पैसा निकाल पाएंगे, जैसे कि आप अभी निकाल रहे हैं। और अगर अभी तक आपने APS सर्विसेज को शुरू नहीं किया है और आप APS ID लेना चाहते हैं तो आपको इस दीपावली ऑफर में भारी डिस्काउंट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप UGP की रिटेलर ID लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा, एक भी रुपये आपको देने की आवश्यकता नहीं है। रोनेट की ID लेना चाहते हैं तो आपको 99 रुपये भी मिल जाएगा। डोगमा सॉफ्ट की रिटेलर ID APS के साथ में लेने चाह रहे हैं तो आपको मात्र 51 रुपीज में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप स्पाइस मनी में काम करते हैं, स्पाइस मनी की रिटेलर हैं, तो उसमें भी आपको भारी डिस्काउंट में माइक्रो ATM मिल जाएगा। ये जो स्पाइस मनी की मिनी मैजिक ATM है मात्र आपको 1399 रुपये मिल जाएगा, जबकि 1399 रुपये में आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो दीपावली की खास ऑफर में आपको मात्र 1399 रुपये में खरीदने का मौका है। आप चाहें तो घर बैठे मंगा सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, चाहे आपको ID चाहिए या फिर माइक्रो ATM चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए, खास ऑफर के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।